आज हम शेयर करेंगे राजेश खन्ना के बारे में कुछ सुने अनसुने किस्से। काका ने अमिताभ को बोल दिया था मनहूस, जया खो बैठी थी आपा। काका ने गर्लफ्रेंड के चक्कर में संजू कुमार को जड़ दिया था चांटा। राजेश खन्ना ने एक्स गर्लफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए घर के सामने से निकाली थी बारात, आधा घंटा जमकर किया था गर्लफ्रेंड के घर के सामने डांस। आत्महत्या करना चाहते थे राजेश खन्ना। लड़कियों में राजेश खन्ना के लिए इस कदर दीवानगी थी कि लड़कियां धूल से अपनी मांग भरा करती थी। राजेश खन्ना के फोटो के साथ कर लेती थी शादी। राजेश खन्ना को खून से लिखा करती थी लेटर। राजेश खन्ना के पास लड़कियों के इतने लेटर्स आते थे कि राजेश खन्ना ने उन्हें पढ़ने के लिए एक आदमी को रखा हुआ था। लेकिन राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के लिए पागल थे। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना का अफेयर 7 साल तक चला, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई, जिसका कारण खुद अंजू थी। राजेश खन्ना अंजू के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू ने शादी करने से कर दिया था इनकार। राजेश खन्ना चाहते थे कि शादी के बाद अंजू फिल्मों में काम न करे, लेकिन अंजू शादी के लिए अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उन्हें राजेश खन्ना को शादी के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद राजेश खन्ना ने अपने से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़े के साथ में शादी कर ली थी। शादी के वक्त डिंपल की उम्र महज 16 साल थी। कहा जाता है जब राजेश खन्ना बांद्रा से जुहू बारात लेकर जा रहे थे और वह जानबूझकर बारात अंजू के घर के सामने को लेकर गए और अंजू को चिढ़ाने के लिए उन्होंने अंजू के घर के सामने आधा घंटा तक जमकर डांस किया, लेकिन राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने डिंपल के सामने एक शर्त रखी थी, जिसके लिए डिंपल ने हामी भर दी थी। शर्त यह थी कि डिंपल शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। डिंपल बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए डिंपल ने कुछ सोचा न समझा और शादी के लिए हामी भर दी। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही सालों बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घुलनी शुरू हो गई और दोनों अलग रहने लगे, जिसका कारण बताया जाता है डिंपल का दोबारा फिल्मों में काम करने के लिए जिद करना था। डिंपल चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे, लेकिन काका नहीं चाहते थे, जिसके कारण दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे। साल 1982 में दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन दोनों के बीच कभी तलाक नहीं हुआ। एक बार राजेश खन्ना ने एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में संजू कुमार को जड़ दिया था जोरदार तमाशा। तब राजेश खन्ना की शादी डिंपल के साथ हो गई थी। तब किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि संजू कुमार और अंजू महेंद्रू का अफेयर चल रहा है, जिसकी भनक राजेश खन्ना को लगी। जैसे ही यह खबर राजेश खन्ना को मिली तो वह आग बबूला हो गए। उस समय राजेश खन्ना और संजू कुमार फिल्म आपकी कसम की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को एक सीन में संजू कुमार को चांटा मारना था, लेकिन राजेश खन्ना ने गुस्से में संजू कुमार को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस बात का खुलासा अंजू ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। ऐसे में उनको और संजू कुमार को लेकर जो अफवाह फैली थी वह सिर्फ झूठ थी। संजू कुमार जानते थे कि राजेश खन्ना ने उन्हें इतनी जोर से चाटा क्यों मारा, लेकिन उसके बाद भी संजू कुमार ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। अंजू ने बताया था संजू कुमार रिश्ते में उनके मुंह बोले मामा है, क्योंकि उनकी माँ ने संजू कुमार को अपना मुंह बोला भाई बना रखा था और संजू कुमार हर साल रक्षाबंधन पर उनके घर राखी बंधवाने आते थे। एक बार रक्षाबंधन पर अंजू की माँ घर पर नहीं थी, तब अंजू ने ही संजू कुमार को राखी बांधी थी। भले ही काका ने डिंपल के साथ शादी कर ली हो, लेकिन वह अंजू को कभी भूल नहीं पाए थे। एक इंटरव्यू के दौरान अंजू ने कहा था काका की एक फिल्म क्या फ्लॉप ही, उन्होंने बोकलाहट में अपने से 15 साल छोटी डिंपल के साथ में शादी कर ली। उन्होंने बताया था काका बहुत ही मोड़ी किस्म के इंसान थे, वह चाहते थे हर वक्त उनके आसपास उनकी तारीफ करने वाले लोग ही मौजूद रहें। बताया जाता है जब राजेश खन्ना का कैरियर ढलान पर था, उसी समय अमिताभ का कैरियर ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। ऐसे में अगर राजेश खन्ना का कोई दोस्त अमिताभ की तारीफ करता था तो वह उसके साथ अपनी दोस्ती तोड़ देते थे। फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने अमिताभ को मनहूस तक बोल दिया था, जिस पर जया बच्चन को काफी गुस्सा आ गया था और वह राजेश खन्ना के साथ उलझ पड़ी थी। फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना, जया बहादुरी और असरानी ने साथ काम किया था। असरानी अमिताभ के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जया बहादुरी अमिताभ की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए अमिताभ अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को मिलने के लिए सेट पर जाया करते थे। जब एक दिन अमिताभ जया और असरानी से मिलने पहुंचे तो राजेश खन्ना ने उन्हें देखकर कहा आ गया मनहूस। यह बात जया बहादुरी ने सुन ली और वह आग बबूला हो गई। तब उन्होंने राजेश खन्ना से कहा था एक वक्त ऐसा होगा कि यह सुपरस्टार बनेगा और तब तुम भी देखोगे कि यह कहां से कहां पहुंचता है। जया बच्चन की यह बात सच साबित हुई। एक दौर ऐसा आया जब अमिताभ सुपरस्टार बन गए और धीरे धीरे राजेश खन्ना का कैरियर खत्म होता चला गया।
अमिताभ की तारीफ करने वालों को वह कहा करते थे, आप हमारा दरबार छोड़कर जा सकते हैं, हमारे दरबार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जब राजेश खन्ना का कैरियर खत्म हो गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, एक वक्त ऐसा था मेरे घर के बाहर गुलदस्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा है मेरे घर कोई एक फूल तक नहीं आता। एक वक्त ऐसा था मेरे घर के सामने प्रोड्यूसर्स और फैंस की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज कोई मुझे देखने तक नहीं आता। तब डिंपल भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। तब राजेश खन्ना ने कहा था कि उनके मन में ख्याल आता है कि वह आत्महत्या कर ले। राजेश खन्ना के इस मुश्किल वक्त में अंजू महेंद्रू एक बार फिर उनके सामने आई और उनके साथ अपनी दोस्ती उनकी आखिरी सांस तक निभाई। बहरहाल आखिरी सांस तक अंजू काका की दोस्त बनकर रही। 16 जुलाई 2012 में काका ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।